थोड्याच वेळात पंतप्रधान मोदींचं संबोधन असणार आहे राष्ट्राला उद्देशून. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता काय घोषणा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संबोधन करणार आहेत तेव्हा जनता कर्फ्यू जाहीर केल्यानंतर जनता कर्फ्यूचं आवाहन केल्यानंतर आता नेमकी कुठली घोषणा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी करतात याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. तेव्हा अगदी काही क्षणात मोदींचं संबोधन असणार आहे राष्ट्राला उद्देशून कोरोना संदर्भात. तेव्हा साथियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं. 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया. बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े, गरीब मध्यम, हर वर्ग के लोग, हर कोई परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया. जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया. एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं. आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं. साथियों, आप कोरोना वैश्विक महामारी, उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है. ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है. इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा. कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि
कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है, ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश के हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं।
आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 डेज 67 दिन लग गए थे।
यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन, उसके बाद सिर्फ 11 दिन में, सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। और ये भी याद रखिए, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्थ्य सेवा, उनके हॉस्पिटल, उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है, उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। सवाल ये कि स्थिति में उम्मीद की किरण कहां है, उपाय क्या है, विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उम्मीद की किरण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए। हफ्तों तक इन देशों के नागरिक घरों से बाहर नहीं निकले, इन देशों के नागरिकों ने 100% सरकारी निर्देशों का पालन किया, और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहर आने की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पन्थाः, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे जो हो जाए, घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए, कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैर्य
और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखे के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत के बड़े चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैसले भी लिए हैं। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए
देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमण की इस घड़ी में देशवासियों के साथ खड़ा है। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनौतीपूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी बहुत जोर पकड़ती है और अफवाहों के ट्रैवल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचे। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेडिकल फैटर्निटी द्वारा दिए गए निर्देश और सुझावों का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा न लें, किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और खतरे में डाल सकता है। साथियों, मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पालन करते हुए, पूरी तरह संयम बरतते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्वीकार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जेव्हा मोठी घोषणा केलेली आहे नरेंद्र मोदी यांनी, लॉकडाऊन असणार आहे 12 वाजेनंतर मध्यरात्री पूर्ण देश, आणि मोदींनी कोरोनाचा नवा अर्थ सांगितलेला आहे। कोरोना अर्थात कोई रोड पे ना निकले असं ते म्हणत आहेत, आणि काही झालं तरी घराबाहेर पडू नका, आणि हा नियम पंतप्रधानांपासून ते गावच्या साध्या माणसापर्यंत हा नियम लागू असणार आहे। तेव्हा 14 एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देश पुढील 21 दिवस तेव्हा रोगाला हरवण्याचा विलगीकरण हा एकमेव उपाय आहे। आज रात्री 12 वाजेपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असणार आहे, तर देशात 21 दिवस हा लॉकडाऊन असेल असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेले आहेत।
लॉकडाऊनची किंमत देशाला मोजावी लागणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे आणि मोठी घोषणा केलेली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. जनता कर्फ्यू नंतरची मोठी घोषणा, कोरोना म्हणजे कोई रोड पे ना निकले, नवीन अर्थ सांगितलाय कोरोनाचा. तेव्हा संपूर्ण देश आता पुढील 21 दिवस लॉकडाऊन असणार आहे. काही हो घरातून बाहेर पडू नका असं म्हणालेले आहेत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. सक्त ताकीद दिलेली आहे जनतेला त्यांनी एक प्रकारे, आणि हे स्वीकारार्ह असं बंधन असणार आहे. हे बंधन आपल्याला लावून घ्यावं लागणार आहे स्वतःला. डॉक्टर्स, पोलीस आणि पत्रकारांसाठी प्रार्थना करा असंही ते म्हणालेले आहेत. केंद्र सरकारकडून 15,000 कोटींचं विशेष पॅकेज यासाठी, या आरोग्य सेवेसाठी देण्यात आलेलं आहे. कोरोना व्हायरस वेगानं देशात पसरतो आहे आणि त्याला हरवण्याचा विलगीकरण हा एकमेव उपाय. आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है. आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं. आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं. साथियों, आप कोरोना वैश्विक महामारी, उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है. ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है. इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है. ये एक तरह से कर्फ्यू ही है, जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात. जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त. कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है.
अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे, यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में, सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। और ये भी याद रखिए, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्थ्य सेवा, उनके हॉस्पिटल, उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है, उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। तेव्हा लॉकडाऊनची किंमत देशाला मोजावी लागेल असं म्हणतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। कोरोना म्हणजे कोई रोड पे ना निकले असा एक नवीन अर्थ त्यांनी दिलेला आहे। संपूर्ण देशात 21 दिवसांसाठी आता लॉकडाऊन असेल अशी मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे। जेव्हा मी जनता कर्फ्यूचं आवाहन लोकांना केलं त्यावेळेसच मी असं म्हणालेलो होतो की मला तुमचे काही आठवडे पाहिजे आहेत आणि त्याप्रमाणे आता 3 आठवडे मागितलेले आहेत जनतेकडे। त्यांनी 3 आठवड्यांसाठी देशभरात लॉकडाऊन असेल। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को
बार बार मजबूत करने का है। तेव्हा संपूर्ण देशात 21 दिवसांसाठी लॉकडाऊन असणार आहे। रोगाला हरवण्याचा विलगीकरण हा एकमेव उपाय आहे असं म्हणालेले आहेत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। आणि आज रात्री 12 वाजेपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असेल। तेव्हा जनतेला आवाहन केलेलं आहे, कोणीही घराबाहेर निघू नका। काहीही काम असेल तरी सुद्धा घरातच राहा। लॉकडाऊनची किंमत देशाला मोजावी लागेल हे मला माहिती आहे, परंतु त्यासाठी तयार राहा असंही म्हणालेले आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। कोरोना म्हणजे कोई रोड पे ना निकले, नवीन अर्थ सांगितला कोरोनाचा। आणि कोणीही रस्त्यावरती येऊ नका। आणि विशेष अत्यावश्यक सेवा आपल्यासाठी जे बजावत आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा असंही ते म्हणालेले आहेत, कारण की आपल्या जीवाचा धोका पत्करून ते आपल्यासाठी काम करतायत। आणि सक्त ताकीद दिलेली आहे लोकांना की घराबाहेर तुम्ही निघू नका। एक प्रकारचा कर्फ्यूज असेल असंही ते म्हणालेले आहेत। आणि जनता कर्फ्यूपेक्षा थोडासा सक्त असेल, थोडासा त्यामध्ये कठोर भूमिका घ्यावी लागेल काही वेळेस असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। तेव्हा रोगाला हरवण्याचा विलगीकरण हा एकमेव उपाय आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। देशाला याची किंमत मोजावी लागणार आहे याची त्यांनी कल्पना हेही त्यांनी सांगितलेलं आहे। परंतु आता स्वतःला बंधनात घालून घेणं हा एकमेव उपाय आपल्याकडे आहे, विलगीकरण हा एकमेव उपाय आपल्याकडे आहे, कारण वेगानं अतिशय पसरतो आहे कोरोना हा विषाणू, आणि त्यावरती विलगीकरण हाच एकमेव उपाय आहे असंही ते म्हणालेले आहे। जर आपल्याला नुकसान जास्त होऊ द्यायचं नसेल तर 21 दिवस आपल्याला घरात राहावं लागेल असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। नुकसान होईल देशाचं, परंतु जान है तो जहान है असंही त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं, त्यामुळे स्पष्ट केलेलं आहे। 21 दिवस आता पुढील 21 दिवस संपूर्ण भारत देश लॉकडाऊन असणार आहे। तेव्हा पंतप्रधानांपासून तर थेट गावातल्या एखाद्या साधारण गृहस्थापर्यंत सर्वांना हा नियम पाळावा लागेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। कोरोना कोई रोड पर ना निकले। तेव्हा आज रात्री 12 वाजेपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असणार आहे। तेव्हा कोरोना म्हणजे कोई रोड पे ना निकले, लॉकडाऊनची किंमत देशाला मोजावी लागेल असंही ते म्हणाले, पर जान है तो जहान है असंही त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटलेलं आहे। आपल्याला मात करायची आहे कोरोनावरती आणि त्यासाठी आपल्याला 21 दिवस द्यावे लागणार आहेत। मी ज्यावेळेस जनता कर्फ्यूचं आवाहन केलं त्यावेळेसच मी तुम्हाला म्हणालेलो होतो की मी काही आठवडे तुमच्याकडे मागायसाठी आलेलो आहे आणि आता ते मागतोय ते म्हणजे 3 आठवडे आहे सध्या तरी, ते म्हणजे 21 दिवस। हा एक प्रकारचा कर्फ्यूच असेल, परंतु जनता कर्फ्यूपेक्षा हा थोडासा कडक कर्फ्यू असेल। यामध्ये काही वेळेस कठोर भूमिकाही घ्यावी लागेल जर तुम्ही ऐकणार नसाल तर, नियम मोडणार असाल तर। त्यामुळे कृपा करून नियम मोडू नका, घरात राहा, घरात बसा, रोडावरती येऊ नका। कोई रोड पे ना निकले म्हणजे कोरोना, रोगाला हरवण्याचा विलगीकरण हा एकमेव उपाय आहे, त्यामुळे वेगळे राहा। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से
संपूर्ण देश में